ये सूरत रहमान का पैगाम रहमत मुझे 2011 में मिला जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, डिप्रेशन में चले गए मैं भी, मेरी बहनें भी, मेरी वालदा भी, और लग रहा था कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बेसिकली महसूस ये हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे विदाउट माय फादर, जो बहुत ही प्यार करने वाले फिगर थे, तो उनके बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर मेरे मामू ने सूरत रहमान का मैसेज दिया, बताए गए तरीके के मुताबिक, कलंदर पाक के बताए गए तरीके के मुताबिक मैंने उसको सुना और एक सुकून था जो आ गया लाइफ में। फिर मेरी बहनों ने भी सुना, वो भी मेरी तरह, उन्होंने, उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो गई, थोड़ा सुकून में आ गए वो लोग। लेकिन मेरी वालदा स्टिल ठीक नहीं हो पा रही थी और हम लोग उन्हें उनके इलाज करवाने के लिए कभी बहुत से डॉक्टरों के पास फिरे, उनके साथ उनको फिर किसी तरह उनको कन्विंस किया कि वो भी सूरत रहमान सुने। फिर सूरत रहमान सुनने की देर थी कि वो भी बिल्कुल ठीक हो गई और घर का माहौल भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया और वो जो डिप्रेशन का माहौल था वो सारा ख़त्म हो गया। फिर सैयद बाबा जान से इसी दौरान मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप अल्लाह के काम करो, अल्लाह आपके काम करेगा। बस इसी लालच में मैंने सूरत रहमान फैलाना शुरू किया। सूरत रहमान फैलाने से मज़ीद बेहतरी आती गई, मैं जो हंसना भूल गई थी, बोलना भूल गई थी, सूरत रहमान फैलाने से वो सब भी वापस रिवाइव हुआ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से बिल्डअप हुआ और दूसरों के तकलीफ़ें और दुख देख कर मुझे अपना दुख बहुत छोटा लगने लग गया। फिर जिन जिन लोगों को वो पैगाम देती गई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो उनकी लाइफ में भी तब्दीलियाँ आईं, जैसे मेरी लाइफ तब्दीली बिल्कुल बदल गई। पहले मैं कुछ और थी सूरत रहमान सुनने से पहले, सूरत रहमान सुनने के बाद बिल्कुल एक सुकून और एक लाइफ की तरफ आ गई थी बेसिकली, जो ख़त्म हो गया था सब पहले। फिर मेरी खाला का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिन्हें हेपेटाइटिस था। उन्होंने हेपेटाइटिस के लिए इंजेक्शन के 2 कोर्सेज करवाए, हेपेटाइटिस था कि ख़त्म नहीं हो रहा था, उन्होंने सूरत रहमान सुनी, सूरत रहमान सुनी तो साथ ही उनकी रिपोर्ट्स क्लियर हो गई। और ये एक ऐसी बीमारी है हेपेटाइटिस जो एक बार हो जाए तो पलट पलट कर वापस आती है। अब डॉक्टर्स के पास जब भी जाएँ वो हिस्ट्री पूछते हैं, फिर दोबारा टेस्ट कराते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक वो सूरत रहमान सुनने की वजह से वो दोबारा से नहीं आया और अब तक वो माशाल्लाह क्योर हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। तो मेरा ये, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ कि ये जो पैगाम रहमत है इसको हर बंदा सूरत रहमान को बताए गए तरीके के मुताबिक सुने, और जितना सुकून और जितना तब्दीली मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों और इसको आगे फैलाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर पाक काकियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तुम ठीक हो जाओ और मुस्कुराने लगो तो अपनी मुस्कराहटों से दूसरों को जिंदा कर दो। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह पे लाखों सलाम। कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहुसत का इलाज नहीं? याद रखिए, कुरान पाक मुकम्मल शिफा है। तमाम वो लोग जो किसी भी जिस्मानी बीमारी, जहनी उलझन, नफसियाती कर्ब और रूहानी उलझनों का शिकार हों, वो सूरह अर्रहमान सुने। सूरह अर्रहमान सुनने का तरीका, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज में सूरह अर्रहमान बगैर तर्जमे के वेबसाइट www.alrehman.com से डाउनलोड कर लें या ऐप द अल्टीमेट रेमेडी इंस्टॉल कर लें। अब आंखें बंद कर लें और बारगाहे इलाही में पेश होकर तवज्जो और यकसुई से सुने। सूरह अर्रहमान खत्म होने के बाद आंखें खोल लें और आधा गिलास पानी लें, आंखें दोबारा बंद कर लें और डूब कर दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें और फिर ये पानी 3 सांसों में पी लें। याद रखिए, शिफा मिन जानिब अल्लाह है।
آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں۔ یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام۔ Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications and other affliction, misfortune or evilness? Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances or mental psychological disorder should listen Surah Alrehman, a recitation by Qari Abdul Basit without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrehman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes, feel yourself in front of Allah Almighty, then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart, then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabe Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research has been attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyanwali Sarkar, Kalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Kalandar Pak Rahmatullah Alayh. From Varis-e-Qalandar.